नमस्ते, बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, दो चरण की वोटिंग हो चुकी है, दो चरण के वोट जो है वो पड़ चुके हैं। करीब 190 सीटें जो है वहाँ के जो तमाम उम्मीदवार हैं, अब उनके लिए जनता वोट कर चुकी है। जनता किसको चुनने जा रही है ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा, 4 जून को क्लियर हो पाएगा। लेकिन उसके पहले जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं वोटिंग के, उसने कई सारे समीकरण जो है वो उसको प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते ये देखा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम वोटिंग का होना इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो है वो चिंता का सबब बना हुआ है। इसके चलते तमाम बैठकें हो रही हैं, रात रात देर रात रात तक बैठकें चल रही हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर वहां पर जारी है। तो ये जो आखिर कम वोटिंग परसेंटेज है, इसका आकलन कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए इसको, और क्यों इस समय इस वोटिंग कम होने से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं? देखिए राम प्रकाश जी, असल में इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि आपने कुल्हाड़ी अपने पैर में मार लिया, कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया, तो बीजेपी ने कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया। ये इतनी बड़ी रणनीतिक भूल थी जब ये कहा गया इस बार 400 पार, जबकि बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट को भी ये पता था कि बीजेपी की हालत 2014-19 वाली नहीं है, हवा बदली हुई है, किसान भी नाराज है, बच्चे भी नाराज हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी नाराज हैं, हर वर्ग नाराज है। लेकिन इसके बावजूद जब 400 पार का नारा दिया तो लोगों को लगा इसका माने मशीन सेट है, मशीन तो फिक्स है। और चुनाव आयोग भी ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, जिससे लग रहा है कि कब सब सेटिंग हो गई। तो अगर सब कुछ सेटिंग हो गई तो बीजेपी वोटर्स को वोट देने जाने की जरूरत क्या है? भाई आप खुद सोचिए, अगर ये लगेगा आज की तारीख में, मुझे लगा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, तो हो सकता है। लेकिन भाई होगा नहीं, मैं तो अपना वोट डालूंगा और मैं तो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालूंगा। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि संविधान को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, और उन्हें ये लगा और बार बार उनको हर कोने से लग रहा है कि 400 सीटें आ रही हैं तो उनको वोट देने जाने की जरूरत क्या है? आज वोट कौन देने जा रहा है? आज वोट जो ज्यादा देने जा रहे हैं वो रूरल एरियाज के लोग जा रहे हैं और दलित वर्ग के लोग जा रहे हैं, लाइन लगा के वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान हट जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो वर्ग जा रहा है जिसके लिए कहा जा रहा है घुस बैठी है। अरे भाई, जो हमारे देश में बसे हुए हैं, जिनकी तीन तीन चार चार पुश्तें यहाँ रह गई, जिनके खानदान के लोगों ने, जिनके पुरखों ने, जिनके बुजुर्गों ने इस देश के लिए जान दी, अब अशफाकुल्ला खान की औलाद को मैं कह दूं घुसपैठी है, अब्दुल हमीद की औलाद को मैं कह दूं घुसपैठी है, और मैं ये कह दूं कि जो नीरव मोदी और ललित मोदी की खानदान के लोग हैं वो देशभक्त है, क्योंकि हिंदू है। मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त भी नहीं हूँ। मैं तो विवेचना करूंगा, मैं तो कहूंगा कि जो भी है, जिसने देश के लिए जान दी है, उसके बच्चों को और उसके परिवार वालों को, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, मैं अपना मानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही राम प्रकाश जी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आरएसएस बीजेपी के बीच में कोई मीटिंग नहीं हो रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है आरएसएस को पैसिफाई करने। माननीय मोदी जी भी गए थे नागपुर, आरएसएस के लोगों को ये संतुष्ट करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए कि कहिए कि लोग हमारे लिए बाहर निकलें, और आरएसएस वालों ने उनको झड़क दिया। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने हर वर्ग का अपमान किया, अल्पसंख्यकों का अपमान किया, दलितों का किया, राजपूतों का किया, जाटों का किया, किसानों का किया, ब्राह्मणों का किया, सैनियों का किया, उसी प्रकार इन्होंने सैनी जो आरएसएस वाले उनका भी अपमान किया, जबकि इनकी चोली दामन का संबंध था, ये लोग बने ही एक दूसरे के पूरक के रूप में थे। लेकिन अब बताइए, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो या उसका वो हो, जब उसकी नींव रखी जा रही थी, मोदी जी केवल दिखाई पड़ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे भाई, अगर ये धर्म का मामला था, राम जन्मभूमि धर्म का मामला था, शंकराचार्यों को होना चाहिए था, इसमें विश्व हिंदू परिषद और इसमें आरएसएस और बाकी लोग, अच्छा सबके सामने केवल माननीय मोदी जी। तो देखिए, आरएसएस से भी नहीं बन रही है। पहले चरण में जो मुझे लगता है इनके कार्यकर्ता निकले थे, इनके वोटर्स नहीं निकले थे। दूसरे चरण में कार्यकर्ता ही नहीं निकले, इनके वोटर्स भी नहीं निकले, इनके खुद के एजेंट्स भी नहीं निकले। अब इनको केवल एक चीज का सहारा है, और अगर आप इनके समर्थकों से बात कर लीजिए, उनको केवल एक चीज का सहारा है कि हमने मशीन सेट कर ली है, और जो जैसे हमने सूरत में किया, जैसा हमने
खजुराहो में किया, जैसा राजकोट में हमने छत्री कौम को ललकारा, हम इसके बाद भी जीत जाएंगे। वास्तविकता यह है आज के तारीख में जितने लोग वोट देने जा रहे हैं वो देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। ये देश के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, इस प्यारे देश के हमारी पूरा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसको बचाने के लिए जो लोग अग्रसर हैं वो वोट देने जा रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि मशीन सेट हो गई, फिक्स हो गई, अब ये गलती महसूस की। अगर इनके भक्तों से बात करें, पहले कहते थे 400 बार, अब ये कह रहे हैं नहीं, हमारी तो हम हार रहे हैं, हमारे वर्कर्स को वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि इनके सपोर्टर्स ने वोट, अच्छा फिर राजपूत समाज के लोग जो इंडिया गठबंधन को वोट तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि भाई अपमान भी हम नहीं सह सकते, जिस प्रकार पाटीदारों ने और बीजेपी वालों ने हमारा अपमान किया, वो वोट देने नहीं गए। ऐसे लोग जो इनको वोट देना चाहते थे लेकिन इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते थे, वोट देने नहीं गए। आप मेरठ की पोलिंग को जरा क्लोजली नोट कीजिएगा, मथुरा की पोलिंग को क्लोजली नोट कीजिएगा, आप वहां देखिए जिस प्रकार से बिल्कुल बहुसंख्यक समाज और हर तरह से अल्पसंख्यक समाज ने एकजुट होकर वोट किया है। ये दो कलाकार जो लाए थे लोग, ये सोच के कि यहाँ पे बिल्कुल स्टारडम चलेगा, ये दोनों के बिस्तर तो बंध गए हैं, इनको अपना सामान बांध के मुंबई जाना पड़ेगा वापस। जी सर, कहा यह जाता है कि जो रणनीतियां हैं वो अमित शाह साहब तय करते हैं, खबर ये भी आ रही है कि जो जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी है, और इसी नाराजगी का परिणाम है ये उदासीनता जिसकी बदौलत वोटिंग हो रही है कम, और इसके चलते सबकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो क्या माना जाए कि पार्टी के अंदर भी या ये जो सीट्स वाले दो चार लोग हैं ये भी नहीं चाहते हैं क्या कि मोदी जी हैट्रिक लगा पाए और तीसरी बार जो है वो सत्ता में आ पाए? अच्छा राम प्रकाश जी, आप खुद सोचिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह होते या मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह होता, और मुझे लगता कि मेरा जादू चल रहा है, मेरा जादू उसी प्रकार चल रहा है जैसे 2014-2019 में चला था, अगर मुझे आपको ये लगता कि हम जीत रहे हैं तो अशोक चौहान को क्यों लेते, आरपीएन सिंह को क्यों राज्यसभा भेजते, हम अशोक चौहान को क्यों भेजते, हम वरुण गांधी की जो श्योर शॉट सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी से 100% पीलीभीत से जीत रहे थे, आपने वहां पे जितिन प्रसाद को लाकर एक सीट अपोजिशन को तस्तरी में रख के क्यों सौंप दी, आपने अरुण गोयल को इलेक्शन क्यों लड़ा दिया, वो अरुण गोयल जो कि अपनी एसी कार से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। भाई अगर मैं मान लीजिए जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप बताइए आप किस लिए वोट देते हैं? आप इसलिए वोट देते हैं कि भैया ये जो हाथ जोड़ के पैर छू के हमारा वोट मांग रहे हैं, कल मेरे को खड़ंजे की कोई समस्या होगी, मुझे नाली की कोई समस्या होगी, मुझे किस प्रकार की समस्या होगी तो अपने एमपी से जाके मैं मिलूंगा, उससे कहूंगा भैया मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारा समर्थन किया था। अब अरुण गोयल साहब से हेमा मालिनी से मिलके कोई मुंबई जाएगा बात अपनी करने, गरीब आदमी? अरे जो क्षेत्रीय वर्कर्स हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे लिए जान बिछाया करते थे और जो 40 साल जिन्होंने दरी बिछाई है और बीजेपी और आरएसएस के वो झोलियों को और थैलों को ढोया है और बिना किसी फल की चिंता किए हुए बीजेपी आरएसएस की लिए तपस्या किए, उनको हटा के तुम कांग्रेसियों को ले आए। तो आज के तारीख में इनकी हालत केवल कुछ प्रदेशों में जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं नहीं खराब है, राजस्थान में भी बुरी हालत है, गुजरात में बुरी हालत है, मध्य प्रदेश में बुरी हालत है, हरियाणा में मैं बैठा हूं, मुझे पता है 6 सीटें तो ये शोर शॉट हार रहे हैं, 4 सीटों में लड़ाई है दिल्ली के अंदर जहां 7 सीटें ये जीत सकते थे, इन्होंने ऐसे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, अगर ये 2 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात, मतलब इस बार तो बोरिया बिस्तर इनका बनना बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल कोई इन्हें रोक नहीं सकता। इनकी आशा और इनके सपोर्टर्स को केवल एक आशा है चुनाव आयोग से, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं उसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग भी अगर मसीह बनने की कोशिश करेगा और रामदेव बनने की कोशिश करेगा तो उसी प्रकार का दंड मिलेगा। इसलिए सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि बेईमानी करने का प्रयास न करें, देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का प्रयास न करें, और जो लोग देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वोट देने जरूर जाएं, घर ना बैठें, निराश ना हो, माइंड गेम से अपने दिमाग को भ्रमित न होने दें, आप जीत रहे हैं, देश का लोकतंत्र संविधान जीत रहा है, ये लोग केवल माइंड गेम खेल रहे हैं, ये बुरी तरह से हार रहे हैं,
देश का लोकतंत्र बचेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचेगा, महात्मा गांधी की परंपराएं चलेंगी और गोडसे नहीं जीतेगा और गोडसे महात्मा गांधी की हत्या द्वारा नहीं कर पाएगा। सर पहले चरण की वोटिंग जो हुई जब उसमें उसके आंकड़े सामने आए उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखा गया और ये बदलाव प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के भाषणों में था। भाषणों की पूरी शैली बदल गई। अब की बार 400 पार, विकास, अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, संकल्प पत्र, ये सब किनारे हो गए। एकदम से बात शुरू हो गई हार्ड हिंदुत्व की, एकदम से बात शुरू हो गई आतंकवाद की, घुसपैठियों की, मुसलमानों का डर दिखाया जाना शुरू हो गया। तो इस तरीके का जो बदलाव जो ये आया उसके बावजूद भी दूसरे फेस की वोटिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि और गिरावट हो गई, खास करके हिंदी बेल्ट में। यूपी बिहार में जिस तरीके से वोटिंग हुई, जिस तरीके से वोट पड़ा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोट पड़ा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वोट पड़ा, भाजपा तो दावा करती है कि भाई हिंदी बेल्ट में ही अब इतनी सीटें जीत जाएंगे कि सरकार जो है हर हाल में हमारी बनेगी और उसके बाद बाकी जगहों पर जीत के 400 पार चले जाएंगे। तो ये जो बदलाव था, क्या माना जाए कि सेकेंड फेज की वोटिंग में गिरावट के बाद भाषणों का स्तर अभी और गिरेगा? देखिए, हम हिंदुओं को और हम लोगों को ये मूर्ख समझते हैं क्या? हम हिंदू हैं, हम इस देश को प्यार करते हैं, भारत को अपनी मां मानते हैं। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम वो हिंदू नहीं है जो मुसलमानों से घृणा करते हैं। हम वो हिंदू नहीं है जो सिखों को खालिस्तानी कहते हैं। हम वो हिंदू नहीं है जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे उनको नकली किसान कहते हो। हम नहीं है वो हिंदू जो कहें कि ये किसान जो बैठे हुए हैं ये विदेश से आए हुए पैसे में पल रहे लोग हैं। हम ये मानते हैं कि जो किसान थे वो अपना हक मांगने दिल्ली के अंदर आए थे और उनका अधिकार था। हम अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद की संतानों को अपना भाई मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। हम नीरव मोदी और ललित मोदी, मेहुल चौकसी को, किरण भाई पटेल को देश विरोधी लोग मानते हैं जिन्होंने इस देश की सत्ता को लपेटा है। ये हम हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं क्या? ये समझते हैं कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का उत्तरदायित्व तो केवल मुसलमानों और दलितों का है, हम सवर्णों का नहीं है? हम सवर्ण भी अपने भाइयों के साथ, अपने उन भाइयों के साथ जो देश का लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष करेंगे, हम जीतेंगे। हम इस देश के संविधान लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। ये जितना अपना स्तर गिरा रहे हैं उतनी बुरी तरह से फंस रहे हैं। इन्होंने सैम पिट्रोडा को पकड़ने की कोशिश कर दी और उसमें खुद उलझ गए। मामला जो है इनहेरिटेंस टैक्स का है जो कि बीजेपी की खुद की रणनीति थी और ये जो अमित मालविया है इन्होंने उसे रिट्वीट किया था और इसको एक्सेप्ट किया था। अरे आप ये बताइए, देश के गरीब लोगों को, देश की हर महिला को अगर 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए साल देना है तो पैसा कहां से आएगा? नोट छाप के तो आएगा नहीं, चुनावी बॉन्ड से तो आएगा नहीं। अरे वो पेंट कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, वो पैसा अमीरों से आएगा। अमीरों को क्यों परेशानी हो रही है? तो असली मुद्दा जो है लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र समर्थक हो रहा था, देश को प्यार करने वाले, देश को धर्म और जातियों में तोड़ने वालों के बीच में हो रहा था, अब वो अमीरों और गरीबों के बीच में हो गया। जी जी सर, ये जो एक चीज और थी, मैं देख रहा था सर जो भाषणों की बात हम लोग कर रहे थे, भाषणों की शुरुआत कहां से हुई थी और किस तरीके से उसमें बदलाव आया। अब जो स्थिति है, जहां पर बात, जो मुद्दों को हम अगर देखें तो बात महंगाई की होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें किनारे होकर के और मुद्दे आकर के पूरा डिपेंड हो गए हैं मंगल सूत्र पे। तो ये जो इस तरीके के मुद्दे हैं जिनसे चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है, जिनसे वोट पाने की कोशिश हो रही है, क्या समझा जाए इसका, इसको, इस स्थिति को क्या माना जाए कि क्या लोकतंत्र में जो है वो गिरावट आ रही है या फिर जनता को पूरी तरीके से मूर्ख समझा जा रहा है? नहीं नहीं, मूर्ख तो समझा ही आ रहा है। और ये क्या समझते हैं हम लोग जो है, हमारे अंदर अकल नहीं है, इस देशवासियों में अकल नहीं है? इस देशवासियों ने 1977 में भी अकल दिखाई थी और उस समय तो संचार माध्यम भी नहीं थे, यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, ओटीटी भी नहीं था, गांव तक अखबार में नहीं पहुंचते थे, उसके बावजूद देश की जनता बुद्धिमान थी, एक समान वोट दिया था उन्होंने। देखिए असली मुद्दा यह है, ये लोग कैसे बात कर ले महंगाई की, बताइए आप। इन्होंने देश के पूंजीपतियों को, अमीरों के जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कम किया क्योंकि इन्होंने चुनावी बॉन्ड से पूंजीपतियों से पैसा लिया, इसलिए उन्हें खुली छूट दी कि कीमतें बढ़ाएं। क्योंकि उन्होंने कीमतें बढ़ाई इसलिए जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा। गरीब आदमियों से इनको प्रेम नहीं है, इनको उसके कपड़े से बदबू आती है।
और इस देश के अंदर जो सबसे पहला अधिकार है वो इस देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का है, जिसने अपने बच्चों को पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, नौकरी पे उसका अधिकार है। अगर सरकारी नौकरी आप नहीं भरेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU के अंदर 3-3, 4-4 लाख पैसे खर्च करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 5-7 हजार रुपए की नौकरी में अपना ऋण कैसे वापस करेंगे? आप पता कर लीजिए राम प्रकाश जी, एजुकेशनल लोन्स कितने डिफॉल्ट हो गए हैं, पहले नहीं होते थे, 10 साल पहले नहीं होते थे, 5 साल पहले नहीं होते थे, पिछले 5 साल के अंदर एजुकेशनल लोन्स में डिफॉल्ट बढ़ गया है। इसलिए कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो एजुकेशनल लोन्स को राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन पूंजीपतियों के 15 लाख के लोन ये राइट ऑफ कर सकते हैं, किसान का 1 लाख लोन वापस राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये एजुकेशनल लोन राइट। तो अब ये जो पैसा हम गरीब जनता को देंगे, एजुकेशनल लोन राइट ऑफ करेंगे, किसानों के लोन राइट ऑफ करेंगे, पैसा आएगा कहां से? अमीरों को देना पड़ेगा। अरे 50-50 कमरे के कोठियों में आप रहते हैं, आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, आप 9-12 करोड़ की कार में घूमते हैं, अरे क्यों घूमते हैं? महात्मा गांधी की तरह एक लंगोट में क्यों नहीं घूमते, एक धोती में क्यों नहीं घूमते? हमारे देश के 80% जनसंख्या वैसे ही रहती है, आप तो बड़ी कोठी में रहते हैं, मोर को दाना खिलाते हैं, आप जो है वो 80,000 किलो का मशरूम खाते हैं, और देश की जनता जो है वो बेचारी सड़ा हुआ गेहूं खाती है। यहाँ ओले पड़ गए, उसमें हमारे किसानों के गेहूं खराब हो गए, आप इंश्योरेंस कंपनियों से आपकी मिली भगत है, 8,000 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं और 2,000 करोड़ का अनुदान नहीं देते हैं, 6,000 करोड़ खा के वो लोग भाग जाते हैं। हम लाएंगे ललित मोदी, नीलम मोदी, मेहुल चौकसी को, हम ये भी पता चलाएंगे किरण भाई पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी किसने दी, कैसे मिली जेड प्लस सिक्योरिटी एक ऐसे आदमी को जो फर्जी आदमी था, जो कश्मीर के अंदर कैसे घूमा, सेंसिटिव एरियाज में कैसे घूमा, आर्मी सीनियर ऑफिसर से कैसे उसने बात की, हम सब पता चलाएंगे, हम PM केयर फंड की भी जांच करवाएंगे। जी सर, महिलाओं की बात थोड़ी सी करनी है, सुनीता केजरीवाल अब रोड शो करने जा रही हैं, कितना इफेक्टिव होगा, क्या कुछ होगा, क्या संदेश जाएगा सुनीता केजरीवाल के रोड शो से दिल्ली में? कुलदीप कुमार जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया एन समय पर साजिश करके, और ये सारी चीजें पूरा आरोप उन्होंने भाजपा पे लगाया। साथ ही आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देना है जनता को, तो ये जो संदेश है, और फिर सुनीता केजरीवाल, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वो कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बना दिया है, तो अब ये जो चेहरे, चूंकि इंडिया गठबंधन के मंच पर जब ये दोनों लोग शामिल हुई थी तो एक बहुत बड़ा, एक बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी ये लोग, लेकिन अब ये लोग जो है बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कितना इफेक्टिव होंगी, कितना सकारात्मक संदेश इसका जाएगा, या फिर आम चुनाव प्रचार के तरीके से ही सारी चीजें होंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर सुनीता केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया की पत्नी को, सत्येंद्र जैन की पत्नी को, संजय सिंह की पत्नियों को एक ओपन जीप में पूरी दिल्ली में घुमा दें, और दूसरी दफा माननीय मोदी जी जसोदा बहन को घुमा दें, भाई देखिए सीधी सी बात है, तो राजनीति है, एवरीथिंग इज फेयर। भाई हम लोग जब शादी करते हैं, सनातन धर्म में हम लोग शादी करते हैं तो ये वादा करते हैं कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, तो जिनके पतियों को निर्दोष होने के बावजूद, कोई सबूत होने के बावजूद, न होने के बावजूद, कोई मनी ट्रेल न होने के बावजूद, केवल आरोपी जो लोग थे, जो जेल में थे, उनके स्टेटमेंट देने से उनको जेल भेज दिया गया है, तो ये तो पत्नियों का कर्तव्य है, ये तो हमारे सनातन धर्म में होना चाहिए था, और ये किया, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उनको, हेमंत सोरेन की पत्नी को भी करना चाहिए, और जितने भी ये जेल भेजे गए सबकी पत्नियों, अनिल देशमुख की पत्नी को भी महाराष्ट्र में घूमना चाहिए, संजय राउत की पत्नी को भी घूमना चाहिए। तुमने एक किसी औरत जो बेचारी अपने पति धर्म का पालन कर रही थी, अपने परिवार को पाल पोस रही थी, उसके पति को निर्दोष होने के बाद जेल क्यों भेजा? अनिल देशमुख को 13 महीने तुमने जेल क्यों रखा? अनिल देशमुख को 13 महीने बाद जब कोर्ट ने दोष मुक्त किया, उसके बाद तुम लोगों को उसका दंड क्यों ना मिले? तो वास्तविकता में ये पत्नियां जो कर रही हैं, ये सनातन सम्मत है, ये धर्म सम्मत है, और किसी भी औरत को जिसके पति को सताया जा रहा है, उनका कर्तव्य है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो। बल्कि मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा, जिन 700 किसानों की शहादत हुई है, उनकी पत्नियों को, उनकी बच्चियों को भी ओपन जीप में घूम के अपने अपने एरिया में प्रचार करना चाहिए किस प्रकार उनके घर के लोगों की शहादत ली गई है। जी चलते चलते सर, एक बात हम लोग जरा अमेठी और रायबरेली की कर लें, बहुत चर्चा में इस समय पर ये सीट है, वायनाड का चुनाव हो चुका है,
राहुल गांधी को लेकर के खूब चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में उनसे भी ज्यादा स्पेस ले रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब। उनके समर्थन में तमाम पोस्टर आ रहे हैं। खबर ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा के भी मन में जो है वो बुलबुलाहट मची हुई है कि अमेठी की सीट मिल जाए और वहां से हम चुनाव लड़ लें। क्या जीत दिला पाएंगे रॉबर्ट वाड्रा राहुल की जगह अगर उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया जाता है तो? नहीं, देखिए, जो मेरे को नहीं पता वहां क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके पोस्टर लगे थे। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों ने पोस्टर लगाए थे, क्योंकि बीजेपी वालों ने पोस्टर इसलिए लगाए थे कि कंफ्यूजन मचे, और जो चीज आपने प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न डिस्कशन हो और सारा जो यूट्यूब पहले प्लेटफॉर्म जो इस चीज को डिस्कस करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, व्यक्ति हो सकता है, देखिए अब आई डोंट नो अंदर की क्या राजनीति है, क्या कूटनीति है, मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मुझे पता है, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, आजकल में निर्णय हो जाएगा, और राहुल गांधी 3 लाख वोट से जीतेंगे, ये भी मुझे पता है। रॉबर्ट वाड्रा का मामला केवल बीजेपी वालों ने पोस्टर्स लगा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है। जबकि आपको पता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के अंदर लिखित दिया कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो हमने आरोप लगाए थे वो हम सिद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि रॉबर्ट नाम है, अच्छा, जनता तो रॉबर्ट से और अली से और अरशद से वैसे ही आजकल उसका दिमाग जो है दूषित कर दिया गया है। अरे, उसके पिताजी पंजाबी हैं, हिंदू हैं, और उसकी माँ जो है वो क्रिश्चियन थी, तो इसलिए माँ ने जिद की थी और रॉबर्ट नाम था और वाड्रा उसका सरनेम है। तो ये जिस प्रकार से पारसियों को बदनाम करते हैं, गांधियों को बदनाम करते हैं, इनके लिए मेनका गांधी हिंदू हैं, सोनिया गांधी मुसलमान हैं, इनके लिए स्मृति ईरानी हिंदू हैं और राहुल गांधी मुसलमान हैं, तो इन भक्तों की बातों में मत जाइए। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जो मुझे लगता है, राहुल गांधी ही लड़ेंगे, राहुल गांधी ही जीतेंगे, और स्मृति ईरानी की इस बार जमानत जब्त होने की स्थिति हो सकती है। 13 किलो रुपए चीनी देने का वादा खुलेआम स्मृति ईरानी ने किया था वहां के हॉस्पिटल को, जो कि वहां की जनता की सेवा कर रहा था, केवल इसलिए कि अमेठी के अंदर था और गांधी परिवार से उसका संबंध था, उसको इन्होंने बंद करा के वहां के लोगों को परेशान कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है, रायबरेली में भी और अमेठी में भी जो भी कैंडिडेट आएगा, जब अगला डिस्कशन हम करेंगे, जब कैंडिडेटचर डिक्लेयर हो जाएगा, राम प्रकाश जी, भ्रांति दूर हो जाएगी, जो भी आएगा वो जीतेगा, और स्मृति ईरानी को उसके बाद जो अपना गोवा में बिटिया का बार है वहां जाके मेरे ख्याल से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और इस विश्लेषण के लिए, जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।